हमारा स्टाइल्स बाहर आ रहे हैं. इट्स ऑलवेज नाइस टू सी. सो थैंक यू फॉर कॉलिंग. बहुत एक्साइटेड हूँ. और ये भी देख रही हूँ एक्चुअली जज करना बहुत मुश्किल होगा बिकॉज मैंने पीसेस देखे हैं सभी बहुत अच्छे. मेरे लिए एक मुश्किल टास्क होगा क्योंकि कौन सा अच्छा लगता है ओवरऑल कौन सा अच्छा. मैंने अभी तक देखे नहीं है. आई एम गोइंग टू गो एंड सी ऑल द पीसेस. सो मुझे वक्त से मैं देखूंगी और डिसाइड करूंगी. अब तक नहीं देखा. बहुत ही डिफ़िकल्ट है क्योंकि इतने सारे ब्यूटीफुल पीसेस हैं ज्वेलरी के कि आंखें चकाचौंध हो रही है. ऐसा लग रहा है कि मैं सब काफ़ी पीसेस मुझे बहुत पसंद आए और मुझे लगता है कि लेकर जाना चाहिए घर पे. तो पहन कर बहुत मज़ा आया और बहुत ब्यूटीफुल फील होता है एक वुमन को ज्वेलरी पहन के. मैं सोचती हूँ कि एक औरत ज्वेलरी के बगैर इनकम्प्लीट है. और ज्वेलरी आजकल सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है. वो अपनी वो एक लड़की की खूबसूरती बढ़ाता है उसको कॉन्फिडेंस देता है. मॉडर्न ज्वेलरी इंडियन ज्वेलरी उनकी जो ब्लेंड होती है वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि जो इंडियन और मॉडर्न की जो कॉम्बिनेशन होती है बहुत इंटरेस्टिंगली ब्यूटीफुल डिस्प्ले ज्वेलरी है यहाँ पर. अलग अलग ढंग के अलग अलग तरीके की ज्वेलरी है. किस तरह की ज्वेलरी आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे कॉम्बिनेशन ऑफ डायमंड्स प्लस ट्रेडिशन. मुझे ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न बहुत पसंद है. ज़्यादातर मैं वही पहनती हूँ या फिर बहुत डेलिकेट ज्वेलरी पहनती हूँ. मुझे एकदम बल्कि ज्वेलरी नहीं पसंद है क्योंकि दो मेरी जो मेरा जो गला है कहते हैं ज्वेलर्स कहते हैं कि वो नेकलेस के लिए बना है और इयर रिंग्स पूरे एनहांस हो जाते हैं क्योंकि मेरी गर्दन बहुत लंबी है. मगर फिर भी आई लाइक मॉडर्न और इंडियन ज्वेलरी का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा लगता है मुझे. और अगर ट्रेडिशनल ज्वेलरी है तो वो भी बहुत खूबसूरत है क्योंकि मेरे कुछ मम्मी के पीसेस हैं जो उन्होंने मुझे दिए हैं तो वो भी मैं बहुत प्यार से पहनती हूँ. मैम यहाँ पे आप लगभग दो घंटे से सर्च कर रही है देखा जाए ज्वेलरीज देख रही है. इसमें से कौन से डिज़ाइन आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? कौन से डिज़ाइन कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि इतने सुंदर हैं कि आप भी नहीं चूज़ कर पाओगे कि इतने सुंदर हैं. मगर मुश्किल से कुछ डिज़ाइन हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं तो अब देखते हैं क्या होता है. आने वाले समय में आप क्या देखती हैं कौन सा जो ट्रेंड होगा ज्वेलरी का जो भारतीय महिलाओं को सबसे ज़्यादा पसंद आएगा या फिर उसे ट्रेंड अपनाना चाहिए ज्वेलरी में? मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिया के लिए ज़्यादातर इंडियन ज्वेलरी का जो खास तौर से जो इंडियन ट्रेडिशन जो उसमें डालते हैं उसको भर के क्योंकि हमारे राजा महाराजाओं से चल और जो रानियों से चले आ रहे हैं उस वक्त से हम वही स्टाइल से पहन रहे हैं तो वो कभी आउट ऑफ फैशन जा नहीं सकता है मेरे हिसाब से. और ना कि सिर्फ इंडिया में मगर बाहर इंटरनेशनली भी बहुत अप्रिशिएट हो रही है हमारी ज्वेलरी. तो मुझे लगता है कि वो तो हमेशा से ही रहेगा मगर डायमंड्स ऑफ कोर्स डायमंड्स प्रेशर स्टोन्स जो है उसके जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही बढ़िया होती है और मुझे लगता है कि वो बहुत एनहांस करता है और एक स्पार्क लाता है एक लड़की में और उसको बहुत अच्छा लगता है पहनने को. मुझे भी बहुत अच्छा लगता है. ऐसा कुछ है नहीं कि मैं नहीं करना चाहूँगी या करना चाहूँगी. अगर कुछ बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे और मेरे दिल को भाएगा तो मैं ज़रूर करूँगी. सलमान जी के आप बहुत अच्छी मित्र हैं उनकी एक फिल्म आ रही है बहुत बुरा है. नहीं बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और ये लोग बोल रहे थे कि हाँ ट्राई करिए ना. एंड आई वाज लाइक यू नो इफ आई वांस आई ट्राइड आई वोंट बी एबल टू टेक इट ऑफ. दे आर रियली स्टनिंग एंड इट्स लिटरली लाइक द बेस्ट ऑफ द बेस्ट यू नो. तो 1 to 16 अगर रैंकिंग है तो देर इज़ एक्चुअली नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन यू नो वॉट यू थिंक कैन बी नंबर 1 वॉट यू थिंक कैन बी नंबर 16. But the differences are very minuscule, you know, very nuanced, detail mein thoda sa, ya finishing mein, ya setting mein, so I don't know, it's very tough, I don't know how it's been for her, but each and every piece is exquisite, you know, it's like, agar mere paas ek piece aise aa jata hai, toh, you know, I'm just going to be like proud of it for the rest of my life, you know, that I have owned a piece like this. And I've only seen the bridal so far, so I can only, I haven't, I'm quite excited to see the other categories. But bahut hi khoobsurat hai aur karigari bahut bahut detail mein kaam kiya gaya hai. So yeah. And what about you? How do you define
Well, I've always loved jewelry. Since I was a little girl, I used to love playing dress up and wear my mom's jewelry. So I'm very excited. I haven't really been able to see a lot of it yet because I've just had a glimpse and I'm already very impressed because इतने डिफरेंट टाइप्स के डिज़ाइंस एंड जैसे उन्होंने बोला द ब्यूटीज एंड द डिटेल्स सो बहुत थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है बट यू कैन सी हाउ यू नो द आर्टिस्ट्री इज एट इट्स फाइनेस्ट एंड यू कैन सी हाउ प्रिटी ईच एंड एवरी पीस इज और कितना ध्यान दिया गया है टू क्रिएट ईच एंड एवरी मास्टर पीस सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड इट्स अ ग्रेट शो बेसिकली व्हाट एग्जैक्ट काइंड ऑफ यू नो कलेक्शन ऑफ यू लाइक लाइक बहुत सारे हैं जेम स्टोन्स है डायमंड है You know, I actually love silver, and I like. I was actually addicted to silver jewelry, and it could be chunky, it could be. But I like the finishing. You know, I would. Somebody asked me, "What is it that sort of makes you buy a piece? You know, or invest in a piece?" And it always is really the finishing. I am not a big diamond fan, but if I have to buy diamonds, it has to be again very intricate. The work has to be very intricate. The design has to be very intricate. But I like big pieces, you know, like I like big earrings, I like big chokers, or it has to be, if it's stones, it has to be really dainty. So, yeah, but I mostly own a lot of silver. My mother keeps telling me to buy gold, but I like the antique finish of gold, which actually is in that other collection. I think I'm quite typical when it comes to jewelry. I like my diamonds. I like solitaires, like big stones. Because also the concept, the idea of buying jewelry is new to me. Abhi tak it was just my mom's jewelry that I used to wear and try on. Now I've started buying my own. So I like nice big stones. I like colors, as you can see, I'm wearing a camera on my side. So I'd like to experiment with loads of different kinds of stones. Diamond, obviously, being my favorite. And Shani, congratulations to our people, my Jolly. It was well appreciated your character. And Margaret, now, Ani, what is the name of our sister? He characters now taking on The projects are finished so far. एक तो जगह आ रही है कल एक गाना आया तो उसमें आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी द फिल्म एक्चुअली क्योंकि मुझे लगता है बहुत अलग और सब बोलते अलग पर ये एक्चुअली में बहुत अलग क्योंकि म्यूजिकल है ऐसा फॉर्मेट कभी किया नहीं है किसी ने सो आई रियली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग द फिल्म एंड आई प्ले अ 14 ईयर ओल्ड गर्ल सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू सी माई सेल्फ एज यू नो इफ आई बीन एबल टू पुल इट ऑफ कन्विंसिंगली and then I did two Indo-British films, The Hungry and Darkness Visible, so that's out this year. And again, all the characters have been very different from each other. Inside Edge करके Amazon के लिए एक्सेल ने प्रोड्यूस किया है वो सीरीज आ रहा है जुलाई में सो क्वाइट वहाँ पे मैं क्रिकेट एनालिस्ट का रोल प्ले कर रही हूँ सो सडनली आई हैड टू लाइक मूवी वॉच लॉट ऑफ क्रिकेट एंड ऑल So yeah, and I'm hoping this year is good in terms of you know new work. I still don't know what I'm doing next. I'm just reading scripts right now. And finally, Jagga Jasus of release for Eid Raat. उसे wait किया गया. आपको भी लगा इतना क्यों? नहीं मुझे कभी नहीं लगा मुझे लगा उनको जितना टाइम लगता है बनाने के लिए वो बनाने देना चाहिए क्योंकि हर एक फिल्म का लाइफ अलग होता है और जो टाइम ऐसा नहीं कि लोग बैठे हैं काम नहीं कर रहे इसलिए टाइम लग रहा है इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर्मेट टू पुल ऑफ यू नो देर आर 32 सॉन्ग्स अब जो डायलॉग्स हैं हम वो गाने के माध्यम में बोल रहे हैं सो इट्स वेरी ट्रिकी फॉर्मेट सो आई रियली बिलीव दैट ही नीडेड दिस टाइम टू सॉर्ट ऑफ डू इट इन द वे ही वॉन्टेड टू यू नो एंड आई डोंट थिंक द फिल्म विल लुक डेटेड और एनीथिंग बिकॉज हिज क्राफ्ट्समैन हिज क्राफ्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग यू नो इन टर्म्स ऑफ सिनेमा एंड the way Ravi Varman and Basu shot the film, it looks exquisite, you know, whatever little I've seen, I've not seen the film. So I really believe that, you know, it needed this much time. And I was actually, I finished shooting, I think, 1 month ago. And I was very sad, you know, because it's such a fun set to go back to. You are playing a character of a young girl. So what difficult or challenging for you as an actor? You know, actually, it wasn't because I think I'm pretty childlike still, and they did a really good job about the costumes with the costumes and stuff. And the moment I'd get into those costumes, I would just feel that way. And I think Dada Anurag Basu is
he doesn't give you a script, he doesn't work with a script, so he's very spontaneous, you know. So, matlab set pe jaake bolte hain achhi aisa karte hain, and you just feel it at that moment and you do it. And there's not a burden of homework and method, and I've done all of that in my other characters, you know, like method acting and all. But this is actually a different kind of method, that you just have to go there and just be in the moment, you know, and be really spontaneous, which is very difficult. To not think about anything else and just be light on your toes all the time. Yeah, exactly. And keep surprising yourself, you know. तो वो एक अलग सा है पर मुझे बहुत मजा आया उसमें. आपके बारे में हम जानना चाहेंगे. आप काफी खूबसूरत दिख रही हैं. आने वाले समय में आप कौन-कौन सी फिल्में, कौन-कौन सी प्लानिंग हैं आपकी? I've just finished a film. It's produced by Eros and I've been shooting for 3 months in London, where I play an agent. That's quite exciting because I always wanted to become an agent. Real life with Vandi Pai, so hopefully real life for you. And yesterday my Tamil debut film just released and it's doing quite well. So I'm really, really grateful and excited. I must tell you, I wanted to say this. I watched Dolly LLB very recently and I loved your character. That was stunning. Like, that was so nice. So yeah, so this film releases end of this year. Hopefully, I'll be able to announce the name right. So, what kind of difference do you observe when you work in South movies or when you work in Bollywood? I've actually only worked in one South film, which released yet. Okay. So, till now, it's eventually we are making films, so it's quite similar. But different in probably the atmosphere and kind, the work style may be slightly different, but it's all the same. And I'm quite new. Payment is different. Oh, yeah. You know, see, when I'm getting my checks online, it's quite good. But I think I'm still learning. I'm quite new, and people like her, you know, they're all students, and I don't think I can comment as of now on different cinema, different styles of working or different stuff, because I'm not experienced that much. So hopefully 3-4 films down south, then I'll be able to tell you exactly kya hota hai. The film's ka naam kya hai? Abhi finalize hua hai. It's a working title. I don't know if I should. I can tell you the producer. The producer by Ross. Okay. I don't think I should. Or are you two stars? I'm working with Gautam Gulati. Gautam. In a film. Yeah. I don't think I should talk about it. I don't know what I'm allowed to do and not. Okay. Thank you so much.